दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने LG के इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को अनबॉक्स किया है। अब इस वीडियो में हमने देखिए इस पूरे वॉशिंग मशीन को सेटअप कर लिया है। ये देखिए, हमने जो नल का पाइप है उसको हमने सीधे सीधे वॉशिंग मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें हम सर्फ वगैरह और पानी टॉपअप करके कपड़े को धुलेंगे और देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस कि यह कैसे वर्क करता है, इसकी कैपेसिटी कैसी है। देखिए, ये पानी यहाँ से ड्रेन का पानी जाएगा, ठीक है, जो पानी वेस्ट पानी होगा वो हमने लगा दिया है। और अब देखिए, ये हमने जो कपड़ा धुलने वाला जो पोर्ट है उस साइड हमने इसको कर दिया है। अब पानी जो है वो कपड़ा धुलने वाली जगह पर पानी गिरेगा, ठीक है। और ये हमारा स्पिन वाला है, जब इस सिलेक्टर को हम घुमा देंगे तो पानी जो स्पिन वाला है वहाँ पर पानी गिरेगा। तो अभी फ़िलहाल हमारा कपड़ा धुलने वाले में लगा हुआ है, तो अब वहाँ पर पानी गिरेगा। अब हम इसको खोल देते हैं, नल को, ठीक है, पानी खोल दिया हमने। अब चूँकि हमने नल खोल दिया है तो पानी गिरने लगा है कपड़ा धुलने वाले चैम्बर में। अब धीरे धीरे करके पानी इसमें भर जाएगा, फिर हम सर्फ डालेंगे और कपड़े को डाल करके हम धुलेंगे। तो ये देखिए, पानी टॉप अप हो रहा है, तो ये हमारा पानी भर चुका है। अब हम इसमें सर्फ डालेंगे। अब ये हम मैं इसके अंदर सर्फ डाल रहा हूँ, ठीक है, अपनी ज़रूरत के अनुसार सर्फ डाल दें आप इसमें, ठीक है। ये सर्फ हमने डाल दिया। अब उसके बाद इसमें हम कपड़ा डालेंगे। ये हमारा कपड़ा आ गया। अब कपड़ा को हम, जितना हमारा कपड़ा है, आप देख लें कि पानी जो है आपका भरा हुआ है उसमें कपड़ा उतना ही डालें कि आपका वॉशिंग मशीन आराम से कपड़े को फ्रीली घुमा सके। ऐसा नहीं है कि नीचे चक्री घूमती रहे और आपका कपड़ा घूम ना पाए। उतना कपड़ा डालें कि फ्रीली वो वॉशिंग मशीन का जो मोटर है वो कपड़े को घुमा सके। कपड़ा है, ठीक है, ये देखिए काफ़ी कपड़ा भी इसमें पड़ गया है। अभी थोड़ा कपड़ा और डालते हैं, उसके बाद फिर कुछ और कपड़ा इसके अंदर हम डाल देते हैं। तो ये देखिए, कुछ और कपड़ा डाल देते हैं इसके अंदर हम। अब आप डुबो करके देख लें कि बहुत ज़्यादा कपड़ा ना हो जाए। अब इसके बाद स्विच ऑन करके हम टाइमर को ऑन करते हैं, जो 15 मिनट का टाइमर है कपड़ा धुलने के लिए। ये हमने 15 मिनट का टाइमर लगा दिया। ये देखिए, वॉशिंग मशीन हमारी चलने लगी, ठीक है, ये देखिए। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़ा हमने डाला है और फिर भी आराम से स्मूथली या कपड़े को घुमा दे रही है, मतलब इसके अंदर पावर है। चूँकि 360 वाट की मोटर है तो पावर तो है ही इसके अंदर। तो देखिए, फ्रीली घुमा ले रहा है कपड़े को। तो अभी देखिए, 9 मिनट हो चुके हैं, जो हमने कपड़ा धुलने की जो स्ट्रॉन्ग पर हमने लगा रखा है जो वॉश जो सिलेक्टर है, तो स्ट्रेंथ वाइज अच्छा है, कैपेसिटी भी इसकी अच्छी है वॉशिंग मशीन की, तो ठीक है, आप इसको बाई कर सकते हैं। ये देखिए, लगभग 1 मिनट का टाइम अब बचा हुआ है, तो बस होने ही वाला है लगभग। तो ये देखिए दोस्तों, ये बजर का साउंड आ रहा है, मतलब ये कपड़ा धुल चुका है, ठीक है। अभी कपड़ा धुल गया है, अब ड्रायर में हम इसको सुखाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा कपड़ा धुल करके रेडी हो गया है। अब इस कपड़े को हम वापस स्पिन वाले में डाल देंगे, जहाँ पर कपड़ा हमारा निचुड़ जाए, ठीक है। तो इसको इस प्रकार उठा करके हमको इसमें डालना है। अब हम स्पिन वाले मोटर की भी कैपेसिटी देख लेते हैं कि वह कितना कपड़े को स्पिन कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कपड़े को स्पिन वाले में डालना है। इसको अंदर लगा देना है, ठीक है, और उसके बाद इस ढक्कन को हमें बंद कर देना है और ऊपर के ढक्कन को भी हमें बंद कर देना है, और जो टाइमर है जो स्पिन का, उसको हमें लगभग 3 मिनट पर कर देना है, और पानी को हमें खोल देना है। अब पानी जो है वह स्पिन वाले चैम्बर में जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कपड़ा जो है वो निचोड़ा जा रहा है, तो जो वेस्ट पानी है देखिए वो निकल रहा है, जो ख़राब पानी है वो निकल रहा है इस प्रकार से, और ये स्पिन हो जाएगा।
कपड़े का जो सर्फ है वो इस प्रकार से निकल जाएगा और कपड़ा एकदम आपका ड्राई सूखा बाहर निकलेगा। तो अब कपड़ा हमारा सूख चुका है, मतलब निचोड़ा जा चुका है। अब इसको हम खोल करके कपड़े को बाहर निकालते हैं। ये ऊपर वाले ढक्कन को भी हम निकालते हैं, जो ऊपर से एक प्रोटेक्टर ढक्कन टाइप लगा हुआ है, इसको हम निकालते हैं। तो देखिए कपड़ा हमारा देखिए एकदम सूख चुका है लगभग। बस थोड़ा सा अगर आप प्रेस कर देंगे तो कपड़ा आपका एकदम से सूख जाएगा और आप रेडी टू यूज़ कपड़ा आपका लगभग हो जाता है। तो इस वॉशिंग मशीन की कपड़ा धुलने की भी कैपेसिटी अच्छी है और कपड़े को सुखाने की भी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इसका मैं एक अगला रिव्यू भी लेके आऊँगा लगभग 15 से 20 दिन के बाद कि उस वक्त इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी वॉशिंग मशीन है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।